नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान दिशा। आपके यहाँ ईशान दिशा में, नॉर्थ ईस्ट कोने में सीढ़ी बनी हुई है, तो उसका आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव आएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में सीढ़ी बनी हुई है, उस घर में रहने वाले सभी सदस्य को अनेकों प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, उनके काम समय पर पूरे नहीं होते। जो बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी। पहली बात तो उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं होगी। जैसे तैसे करके यदि एजुकेशन पूरी हो गई तो उन बच्चों को कामयाबी भी मिलने में दिक्कत आएगी। बच्चे शादी के लायक है तो उनकी शादी में भी देरी होने के कारण बनते हैं। शादी होने के बाद पति पत्नी में बेवजह के झगड़े भी बने रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के भाग में सीढ़ी आने से इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। जो बात मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में सीढ़ी बनी हुई है तो मैं आपको कुछ छोटे से उपाय बता रहा हूं। यदि आप अपने यहाँ ये उपाय कर लेते हैं तो आपके यहाँ जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं से आपको राहत मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सीढ़ियों में नीचे से लेकर ऊपर तक स्टोर बना दिया जाता है, वहाँ पर इन्वर्टर रख दिया जाता है, जूतों का रैक रख देते हैं, अखबार की रद्दी रख देते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखने में आता है कि सीढ़ियों के अंदर अलमारी भी रख देते हैं। यदि आपके यहाँ परेशानी आ रही है और आप अपनी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप सीढ़ियों के नीचे से लेकर ऊपर तक, मोमटी तक, जितना भी सामान आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में रखा है, उस सारे सामान को यहाँ से ज़रूर उठाएं। ऐसा करने से आपको राहत ज़रूर मिलेगी। गर्म हवा हमेशा ही ऊपर की ओर उठती है और ऊपर वाले भाग में इकट्ठी हो जाती है। ज़्यादातर मैक्सिमम घर में, मैक्सिमम बिल्डिंग में जो छत के ऊपर मोमटी बनती है, उसके अंदर जो दरवाज़ा लगाते हैं वो बिल्कुल पैक करके लगा देते हैं, और वहाँ से जो हवा की क्रॉसिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका अपना दरवाज़ा है, उस दरवाजे में 1 से 1.5 फीट की चौड़ाई जितनी एक जाली जरूर लगानी है, जिससे कि आपके यहाँ मोमटी के अंदर जो गर्मी इकट्ठी होती है वो गर्मी आपकी बाहर निकल जाए। सिर्फ ये काम करने से भी आपको राहत मिल जाएगी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ स्टेयर्स के अंदर जो सामान रखा है, उस सारे सामान को एक बार हटाकर जरूर देखें, क्योंकि स्टेयर्स को हटाना आसान नहीं है, लेकिन जो सामान रखा है उसको आप इजी वे में बड़े आराम से हटा सकते हैं। और जो आपका दरवाज़ा लगा हुआ है, जो मोमटी में दरवाज़ा लगा हुआ है, उसके अंदर जाली निकालना भी बड़ा आसान है। यदि संभव हो तो आप वहाँ पर एक एग्जॉस्ट भी लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरे को वास्तु कंसल्टेंसी करते हुए लगभग 21 साल हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भाग में सीढ़ी तोड़ना आसान नहीं है। सीढ़ियों से सारा सामान हटाने से जो आपके यहाँ फैमिली में समस्या है या आपके बिजनेस में समस्या है, ये काम करने से आपकी फैमिली की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। जो आपके बिजनेस में समस्याएँ चल रही है, उस समस्याओं से भी आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। जो बातें मैंने आपको बताई है, वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें आपके साथ शेयर की है। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।